आइए दिवाली के इस मौके पर संस्कार चैनल का धन्यवाद करते हुए दिवाली के उस पर्व की ओर चलें जिस खुशी को आज सारा विश्व मना रहा है, हमारा देश ही नहीं अपितु पूरा समाज मना रहा है। क्यों मनाता है? क्योंकि राम अपनी मर्यादाओं को लेकर सारी कुरीतियों को मिटाकर हमारी संस्कृति को नया रूप दिया और हमारी शक्ति को हमारे पास लेकर के आए। रावण जैसी वृत्तियों के ऊपर, दुष्ट कुरीतियों के ऊपर विजय प्राप्त करके राम जब अयोध्या लौटे तो सारे अयोध्या निवासियों को, क्या पूरे देशवासियों को वो खुशी हुई कि सब ने अपने घर घर में दीप जलाए और शांति को स्थापित किया, लक्ष्मी को स्थापित किया। और जो इस त्यौहार को उसी ढंग से मनाता है जिस ढंग से अयोध्या निवासियों ने मनाया, तो लक्ष्मी की बौछार होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो विष्णु के अंश हैं, वो खुद विष्णु ही हैं। और जहाँ विष्णु का स्वागत किया जाता है वहाँ लक्ष्मी अपने आप घर में प्रवेश कर जाती है। लेकिन उसके लिए हमारी ज्योति को जलाना जरूरी होगा। ज्योति मीन्स ज्ञान, और ज्ञान तभी प्राप्त कर सकते हैं कि जब हम अपनी ज़िंदगी में राम की मर्यादा को ले आएंगे। और जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में राम की मर्यादा को ले आएगा उसके घर में लक्ष्मी आने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आइए राम की मर्यादा में ढल करके उसी खुशी को, उन्हीं बहारों को अपने घर में लेके आएँ, वही दीप जलाएँ जो उस समय अयोध्या निवासियों ने लगाए थे। हम भी जला करके दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ विशुद्धानंद हरिद्वार आश्रम की तरफ से, विशुद्धानंद शक्तिधाम आश्रम की तरफ से, वृंदावन की तरफ से और गौ हॉस्पिटल गोवर्धन की तरफ से मैं सारे देशवासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हुआ पुनः संस्कार चैनल वालों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने दिवाली के इस अवसर पर हमारे देशवासियों को नई संस्कृति प्रदान की है, नए संस्कार प्रदान करे हैं और नई सभ्यता प्रदान कर दी है। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति ही, ओम शांति ही, ओम शांति।